राजकुट बोल रहा हूँ हरदा से। सर ये जो अभी ब्लास्ट हुआ है जिसमें मेरा 10 साल का बेटा शांत हुआ है, आशीष राजपूत। सर तो इनमें जिन धाराओं पे राजेश अग्रवाल सोमेश अग्रवाल पे केस दर्ज हुआ है, ये धाराएं किस आधार पे लगी सर? क्योंकि मेरा बेटा तो मेरे घर था, मुझे लेके जा रहा था व्हील चेयर से धक्का के, तो उस पे सर सर आप न्याय दिलवाएंगे? इनको किन धाराओं में बंद किया है सर? ये तो आदतन जी। हेलो सर, इन पे ये तो आदतन अपराधी सर, साल में आप इनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, मेरे कहे पे भी मत जाइए। बिल्कुल कहूंगा मैं सर, क्यों बदलूंगा? मेरे को नोटों से कोई मतलब नहीं है साहब, बेटा गया है मेरा। बिल्कुल, आप मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया हूँ ड्रेसिंग के लिए, आप आइए, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। अपनी कसम खा के बोल रहा हूँ, अपने मरे हुए बेटे की कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं उसके खिलाफ यही बोलूंगा जी। बिल्कुल साहब, 4 लाख के 8 लाख रुपए मुझसे लीजिए और गोली मारिए राजेश अग्रवाल को। मैं बोलता हूँ, जो सरकार 4 लाख दे रही ना, उसके 8 लाख रुपए मैं देता हूँ जी। बिल्कुल आइए आप जी। नहीं सर, मैं बैठा हूँ यहाँ, मैं व्हील चेयर पे आके बैठा हूँ आप लोगों के लिए। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं हॉस्पिटल में ही बैठा हूँ सर, ठीक है। होता है तो ये मेरी गलती है कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया, पर चूंकि मैं मेरे घर बैठा था और घर आके कोई चीज मुझे मार के चली जाए, तो इसमें तो मर्डर केस ही होना चाहिए ना सर। 300 लगने चाहिए ना सर, वो दुर्घटना के हिसाब से पूरी और धारा विस्फोटक अधिनियम ले लो, पूरे बयान से बड़ी दुर्घटना के हिसाब से तीन धारा लगेगी। दुर्घटना कैसे हुई है सर? ये तो जानबूझ के काम करा गया ना सर, इसलिए 304 308 302 लगेंगे ना सर। पदार्थ अधिनियम वो आप थाने जाए, थाने आगे इसको और बयान देंगे अपन, देखने चाहिए इधर से, उधर हो जाओ, इधर से ले लो, देखेंगे आप बयान लेते हुए दिख जाएंगे।